लीक हुई नागपुर टेस्ट की प्लेइंग 11। राहुल ने किया प्लेइंग 11 का खुलासा। मैच से पहले ही बताए भारत के स्पेशल 11। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच 9 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 लीक हो गई है। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने भारत की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुकाबले से पहले ही दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ दोनों ही टीमें उस गेम प्लान को बनाने में भी लगी हैं, जिसकी एक अहम कड़ी प्लेइंग 11 है। नागपुर टेस्ट मैच से पहले भारत की प्लेइंग 11 का खुलासा हो चुका है, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन केएल राहुल ने किया है। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान केएल राहुल के मुंह से निकल गई वो बात जो शायद अभी टीम के अंदर ही होनी चाहिए थी, लेकिन राहुल ने टीम कॉम्बिनेशन का कच्चा चिट्ठा सभी के सामने खोल कर रख दिया। केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम के गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो इस टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं। राहुल ने ये बातें तब कही हैं जब वो नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नागपुर टेस्ट मैच से पहले ही टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल ने टीम इंडिया की रणनीतियों को लेकर कई अहम खुलासे कर दिए हैं, जैसे कि नागपुर में खेल सकते हैं 3-3 स्पिन गेंदबाज। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने टीम इंडिया की गेंदबाजी कॉम्बिनेशन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनर के साथ उतर सकती है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक मोहर नहीं लगी है कि टीम इंडिया 3 या फिर 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगी। हालांकि केएल राहुल ने उन खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए हैं जिनके साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतर सकती है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय टीम इस अहम मुकाबले में 3-3 स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने के लिए सोच रही है। चलिए ये तो बात हुई गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को लेकर, लेकिन केएल राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी बात की और खुद के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी काफी कुछ कहा। चलिए आपको बताते हैं अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर क्या कहा है केएल राहुल ने। खुद के बैटिंग ऑर्डर को लेकर क्या कहा राहुल ने। केएल राहुल से टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट चाहेगा तो मैं मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे किसी भी ऑर्डर पर खेलने में कोई परेशानी नहीं है। राहुल की इस बात से उनके पहले टेस्ट मैच में खेलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले 4-4 अहम सवालों में उलझी हुई है। सबसे पहला सवाल ये है कि कौन होगा रोहित का जोड़ीदार। दरअसल टीम इंडिया के पास केएल राहुल और शुभमन गिल के पास दूसरे ओपनर के ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में अब टीम इंडिया को ये डिसाइड करना है कि क्या भारतीय टीम शुभमन गिल से ओपनिंग कराएगी या फिर वो केएल राहुल के साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा कौन खेलेगा श्रेयस अय्यर की जगह। अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में क्या सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या फिर शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में उतारा जा सकता है। इसके अलावा 4 में से वो कौन से 3 स्पिनर होंगे जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा इन कंपनी को नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले ही इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कैसी होगी पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।